एक आप और करेक्टर डिफेक्ट देखें फैमिली में होता है, जिसको बोलते हैं बेसब्री इम्पेशेंट। बेसब्री और इम्पेशेंट कि जल्दी से क्यों नहीं ठीक हो रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये तो हो गया, वो हो गया, ये नहीं ठीक हुआ, ये जो है ना ये करेक्टर डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं करेक्टर डिफेक्ट। मतलब ये ना सोचें कि करेक्टर डिफेक्ट कोई गंदी चीज होती है, करेक्टर डिफेक्ट हमारे अंदर में एक बेसब्री होती है, जिसको हम प्यार करते हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज काफी बड़ी नुकसान करती है मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन। अगर आप ये सोचें कि मेरे मेरे फैमिली में कौन कौन से करेक्टर डिफेक्ट, तो आपने अपनी बेसब्री पे काम करना है, आपने अपनी एंजाइटी पे काम करना है, आपने अपने फिक्र पे काम करना है, आपने अपने एंगर पे काम करना है, अपनी अपनी इम्पेशेंट पे काम करना है, और सबसे बड़ा काम आपने करना है कि पेशेंट के लिए कभी झूठ ना बोले। कभी भी किसी तरह का पेशेंट को कवर अप करने के लिए कभी झूठ ना बोले। और इसमें एक करेक्टर डिफेक्ट आता है, जो उसका बेस है ना वो है टॉक्सिक शेम। कुछ हो जाए, दुनिया इधर भी इधर हो जाए, तुसी सोचो कि मैं झूठ नहीं बोलना, बाहर जिन्हें मर्जी बोल दो, बाहर जाके जिन्हें मर्जी दिल खोल के झूठ बोल लो, जब आपने पेशेंट की गल आए तो फिर 100% सच बोलना, 100%, 100 तो भी मतलब 500% सच बोलो कि हर चीज जे तुसी है थोड़े ये देखो। हुण मैं फैमिली के करैक्टर डिफेक्ट दस रहा जिथे जिथे आते हैं कि फैमिली अपने टॉक्सिक शेम करके, लोगों तो डर करके कि दुनिया की कहेगी, एक ही होएगा, टॉक्सिक शेम दे करके। मैं एक टेड टॉक सुन रहा था, उसके विच वो दस रहे थे अमेरिका दे विच द बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट, उनका बहुत कम है सक्सेस रेट, इतना डेवलप कंट्री है, इतनी बढ़िया मेडिसिन है। प्रोग्राम हम उनका देखते हैं लेकिन उनसे वो प्रोग्राम के साथ भी सक्सेस नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो उनमें आ रही है कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये फैमिली कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। इतने डिटैच हो गए हैं ना फैमिली से, तो एक फैमिली स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे, एंड ये सारा टूटा हुआ है सिर्फ करेक्टर डिफेक्ट्स की वजह से। तो आप देख लें, एंड शिवा सिंह कि लोग अपने पेशेंट को अबेंडन कर देते हैं, स्ट्रीट एडिक्ट बन जाते हैं उनके पेशेंट, पार्स होते हैं, और उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही होता है कि फैमिली में टॉक्सिक शेम होती है। अब आप देखें टॉक्सिक शेम कितनी बड़ी है, एंड टॉक्सिक शेम उस दिन आपकी जाएगी जब आप लोगों के सामने अपने आप पूरा खोल के रख दो। ये नहीं मैं कहता कि दुनिया में जाके कर दें, बाहर कर दें, पर कम से कम अपनी फैमिली में तो कर दें। ये हमारी फैमिली है, यहाँ पे हम जो बात कर सकते हैं वो हम बाहर कहीं थोड़ी कर सकते हैं, पर यहाँ तो कर सकते हैं ना, हर्मिटेज में कर सकते हैं। अगर हम टॉक्सिक शेम नहीं ना ठीक करेंगे, हील नहीं करेंगे, तो आप देख लें कि टॉक्सिक शेम कितनी बड़ी बात। चलो इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं अपने बेटे के सक्सेस में और अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन, तो इन्होंने जब बात की तो मेरे अंदर गुस्सा भी था, मैं ये भी करता था, वो भी, ये सारे उनके टॉक्सिक शेम से ऊपर आने के रीजन। एक दिन तो ऐसा भी आ जाता है, बंदा कहता है यार मैं बोलना चाहता हूँ स्टेज में और लाइव बात करना चाहता हूँ, मेरे को किसी से कुछ नहीं देना, मेरे अपनी जान बचानी। ये भी एक टॉक्सिक शेम ही थी का प्रोग्राम। वो जो अमेरिका में एक अनोनिमिटी है ना, अनोनिमिटी के किसी को पता ना चल जाए, प्राइवेसी, ये वहां की प्राइवेसी, ये डिसऑनेस्टी है। बट इज प्राइवेसी, प्राइवेसी है क्या? आप किसी चीज को अंडर कवर कर रहे हो, और जिस चीज को आप अंडर कवर कर रहे हो सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उस चीज को देख के टॉक्सिक ही मान। और क्या है हमारे पास, और क्या है मतलब, वाई टॉक्सिक शेम? एंड टॉक्सिक शेम के रिजल्ट्स हैं गुस्सा, वायलेंस, इम्पल्सिविटी, जितने भी जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो सारे टॉक्सिक शेम के। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, अपनी बात खोल के ना रख सकना, कम्युनिकेट ना कर सकना, लोगों से अपनी शेयरिंग ना, सच्ची सच्ची शेयरिंग ना कर देना, मतलब ये देखे सारे ही टॉक्सिक शेम के है। एंड यहाँ पे है कि टॉक्सिक शेम की वजह से हम डिप्रेस्ड होते हैं और ट्रीटमेंट नहीं लेते, और
सुसाइड्स होते हैं टॉक्सिक शेम की वजह से। टॉक्सिक शेम की वजह से हमें गुस्सा आता है, टॉक्सिक शेम की वजह से हम बेचैन रहते हैं और हम बेचैनी के बारे में बात नहीं करने देते। कोई पूछता तो हम कहते बिल्कुल ठीक ठाक क्यों है। टॉक्सिक शेम की वजह से हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, अपनी इमोशंस अंदर की और है, बाहर हम कुछ और दिखा रहे हैं। टॉक्सिक शेम की, अगर मैंने अपनी इमोशन बता दी कि मेरी इमोशन भी आप जैसी है तो आप मेरे को क्या समझेंगे, मतलब देखो कि कैसी है। हम टॉक्सिक शेम की वजह से हम दोगलेपन में शिकार हैं, अंदर से हम कुछ और हैं, बाहर से हम कुछ और दिखावा कर रहे हैं। देखो ये कितना बड़ा बोझ है जो हम सारी उम्र उठा के रख रहे हैं, ये टॉक्सिक शेम है कि मैनू शर्म आ रही है कि मैं अंदरों की हूं,